जी, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं क्या इंटरनेशनल बिजनेस होता है क्या है। देखिए, कभी भी कोई कंपनी जब अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करती है तो अपनी जब डोमेस्टिक डिमांड को सेटिस्फाई करने करने के बाद और अपने मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए कंपनी एक दूसरे मार्केट की सर्च करती है, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी या कोई फर्म हो सकती है, वो एक मार्केट से, एक कंट्री के मार्केट से दूसरे मार्केट में एंटर करती है। जब जब कोई कंट्री की जब कोई कंपनी अपनी कंट्री को छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में, कोई भी कंट्री हो, जैसे इंडिया की कंपनी है नेपाल में चली गई, इंडिया की कंपनी बांग्लादेश चली गई, यूएसए चली गई, चाइना में चल, मतलब अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दे, सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दे, तो वो क्या हो जाती है, इट विल बिकम एन इंटरनेशनल कंपनी। मतलब क्या हुआ, इंटरनेशनल कंपनी में, इंटरनेशनल कंपनी में हुआ कि इंटरनेशनल बिजनेस तो होता क्या है, कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, जब एक कंपनी एंटर करती है दूसरी कंपनी में, कंट्री में, टू किस पर्पज के लिए, बिजनेस करने के लिए, तो हो गया इंटरनेशनल कंपनी। और इंटरनेशनल बिजनेस क्या हुआ, इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब होता है कि दो कंट्रीज के बीच में आपस के ट्रेड और बिजनेस, बिजनेस को क्या बोलेंगे हम, इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, क्या होता है, ट्रेड बिजनेस बिटवीन टू और मोर कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल बिजनेस। देखिए ध्यान से सुनिए, मैंने कहा इंडिया, इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड होता है ये क्या हुआ, इंटरनेशनल बिजनेस है। दो कंट्री इन्वॉल्व हो गई, ग्लोबल हो गई आपके पास। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि ये तो है इंटरनेशनल बिजनेस का मीनिंग, आपको समझ में आया कि जब भी कोई दो कंट्री शामिल हो जाए तो इंटरनेशनल बिजनेस है, लेकिन अगर दो से ज़्यादा कंपनी कंट्री एक साथ आ जाए तो उसको बोलते हैं मल्टीनेशनल, मतलब बिजनेसेस मल्टीनेशनल होने लग गए अब। इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब होता है एक कंट्री की कंपनी अपने एक खुद खुद के मार्केट को छोड़कर कहीं दूसरे में जा रही, तो वो इंटरनेशनल बिजनेस, और एक से ज़्यादा कंट्री में चली गई तो क्या हो गया, मल्टीनेशनल बिजनेस, मल्टीनेशनल कंपनी बन गई वो। तो ये एक पूरी प्रोसेस होती है कि कैसे कैसे कंपनी बनती है। तो सबसे पहले मीनिंग समझिए क्या, कि जब भी कोई कंट्री की कंपनी अपनी डिमांड को सेटिस्फाई करके, अपनी कंट्री की डिमांड को सेटिस्फाई करके एक नए मार्केट को सर्च करती है, दूसरी कंट्री में एंटर करती है, तो वो क्या बन जाती है, इंटरनेशनल कंपनी। और इंटरनेशनल बिजनेस का मीनिंग क्या हुआ, ट्रेड बिजनेस बिटवीन टू और मोर कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, मीनिंग हो गया क्लियर। ओके ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रशिया। ठीक है, और इसी से आपका क्या होता है, एक प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मतलब इसी से आप ग्लोबलाइजेशन की तरफ चलते हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या प्रोसेस होता है, बाउंड्री फ्री, मीन्स आपकी जो ये रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है बाउंड्रीज, इसको आप रिमूव करके आगे बढ़ते हो, अपना ट्रेड को इंक्रीज करते हो। ठीक है, हाँ बेसिकली ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है इंटरनेशनल बिजनेस करने की। ठीक है, मेरी बात समझे आप, कि आप ग्लोबलाइजेशन की तरफ होता है कि बाउंड्री फ्री, मतलब आप अपनी रेस्ट्रिक्शंस को खत्म कर रहे हो, थ्रू किसके थ्रू, इंटरनेशनल बिजनेस के थ्रू। आई समझ में आपको? हाँ जी, कोई भी कंट्री ग्लोबल की तरफ जा रही है। ठीक है, मैंने कहा एक कंट्री में चली गई, फिर उसको छोड़ के मैं उसके साथ साथ दूसरी में चली गई, मल्टीनेशनल बन गई, मल्टीनेशनल के बाद ग्लोबल बन गई, ग्लोबल मतलब बहुत सारी कंट्रीज में अपने हेड ऑफिसेज बनाने लग गई, एंड देन आपके क्या क्या ट्रांसनेशनल, उनके रीजनल लेवल पे काम करने लग गई, तो हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्लोबलाइजेशन होता है या इंटरनेशनल बिजनेस का होता है। सबसे पहले क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस, फिर होता है मल्टीनेशनल, फिर हो गया आपका ग्लोबल, और फिर हो गया ट्रांसनेशनल, कि उसमें भी आपको ये नहीं पता कि किस कंट्री की कंपनी है, रजिस्टर्ड कहीं एक जगह होती है लेकिन अपना ना हेडक्वार्टर बताती है ना कुछ, और रीजनल बेसिस पे काम करती है। ठीक है, तो वो इस तरीके से होता है। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि डिफरेंट इकोनॉमीज, डिफरेंट इकोनॉमीज का मतलब होता है लाइक जैसे इंडियन इकोनॉमीज है, जैसे आपकी क्या है, इंडिया की इकोनॉमीज है, ठीक है, रशिया की इकोनॉमीज है, चाइना की इकोनॉमीज है, साथ एक साथ इकट्ठी हो रही है। ठीक है, गेट इंटर वोवन बाई वे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, किस तरीके से अपना म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए, बाय इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए, के थ्रू और इन्वेस्टमेंट, मतलब आप ट्रेड कर रहे हो या फिर कहीं पर एफडीआई लगा रहे हो, एफआईआई लगा रहे हो, तो इस तरीके से आप एक ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस में आते हो। ठीक है, दे बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी का एक मतलब पार्ट बन जाते हैं। तो आपको समझ में आया, देखो मैंने बताया इंटरनेशनल बिजनेस मतलब दो कंट्री या उससे ज़्यादा के बीच में ट्रेड हो गया, बिजनेस हो गया, तो इंटरनेशनल बिजनेस हो गया। एंड देन आपने क्या पढ़ा, व्हाट इज इंटर ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, थ्रू इन्वेस्टमेंट, थ्रू ट्रेड आप क्या बन जाते हो, एक ग्लोबल मतलब इंटीग्रल पार्ट हो जाते हो इकोनॉमीज, या इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। दो कंसेप्ट समझ में आई आपको, इंटरनेशनल बिजनेस एंड ग्लोबलाइजेशन। अब आगे देखिए,
देखिए अब आके आपके पास आया कि क्या क्या फीचर्स है आपकी ग्लोबलाइजेशन इंटरनेशनल बिजनेस की। देखो लार्ज स्केल ऑपरेशंस होती है, बिल्कुल आप एक कंट्री के से बियॉन्ड जाकर, अब दो कंट्री के लिए आप काम कर रहे हो तो आप लार्ज स्केल ऑपरेशंस कर रहे हो। आप ये ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ प्रोडक्शन कर रहे हो, आपकी सर्विसेज भी हो सकती है, जैसे आप बैंकिंग सर्विसेज है, इंश्योरेंस कंपनी जा रही है, ठीक है, और आपकी जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सर्विसेज आती है, तो ये जो आपकी आती है सब क्या सर्विसेज के भी आ गई, और आपके किसमें आ गई प्रोडक्शन। तो ये लार्ज स्केल ऑपरेशन किसका आ गया, प्रोडक्शन का भी आ गया है, और दूसरी चीज की आ गई सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और दूसरा सर्विसेज, दोनों ही चीजों का आपके पास आ गया। दूसरा आ गया इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज, अभी मैंने बताया था इकोनॉमीज मतलब आपने क्या किया, मैंने कहा कि इंडिया प्लस में चाइना दोनों एक साथ मिलकर काम कर रही है। जैसे अभी क्या हुआ, इंडिया में जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है वो जापान की सहयोग से बन रहा है, तो ये क्या हुआ, एक इंटीग्रेशन हो गया, दो के बीच में कोई ज्वाइंट वेंचर है जिसके थ्रू अपना काम पूरा कर रहे हैं, ठीक है। हमेशा इंटरनेशनल बिजनेस में डोमिनेटेड डोमिनेशन जो होता है वो किसका होता है, डेवलप कंट्रीज का। जैसे आप अब बात करते हैं तो हमने कहा कि किसका ज़्यादा वो होता है, तो आपने देखते हैं यूएसए चाइना। अब जैसे हम इंडिया को, इंडिया जो होता है चाइना को एक्सपोर्ट तो कम करता है, इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा करता है, और ये गैप लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। मतलब हमारा जो हमने लास्ट ईयर जो किया ऑलमोस्ट 125 यूएस बिलियन का हमने इम्पोर्ट किया, एक्सपोर्ट 55 बिलियन यूएस बिलियन का किया, देखिए कितना ट्रेड डेफिसिट है आपका, तो और ये लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमारी हर एक इंडस्ट्री डिपेंडेंस है किस पर, उस पर चाइना पे। चाइना हमसे कम कॉस्ट पर हर प्रोडक्ट बनाता है क्योंकि वहाँ पर आपकी लेबर जो होती है वो स्किल्ड लेबर है। स्किल्ड का मतलब समझते हो कि वो हर एक जो वो कोई काम कर रहा है तो वो उसी चीज़ में आपका मतलब बहुत ही 100% स्पेशलाइज चीज़ है, तो स्किल्ड लेबर होने की वजह से वो कम कॉस्ट पर बना लेते हैं, ठीक है। कम कॉस्ट पर बनाने के बाद वो हमारे यहाँ मतलब हमारे क्या पूरे वर्ल्ड में आपको क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। अब देखिए उनका, आप देखिए कितने मोबाइल फ़ोन आप यूज़ करते हो, है ना, रियलमी रेडमी ओप्पो, ये जितने भी सारी कंपनी चाइनीज है, सारी की सारी कंपनी चाइनीज कंपनीज है। बहुत बड़ा मार्केट शेयर इंडिया का है उनके अंदर, मतलब इंडिया में इससे इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं उनके जितनी मोबाइल्स कंपनीज होती है, क्योंकि कम कॉस्ट पर अवेलेबल करा देते हैं। इंडिया की कोई भी एक आप मोबाइल कंपनी बताइए, आप रहते हो इंडिया में, ये ऑनलाइन में बताइए कोई, और आपका कोई इंडियन मोबाइल कंपनी, टाटा सुना है, टाटा के फ़ोन देखे किसी के पास, पहले आते थे टाटा के फ़ोन, देखा हो आपने, रिलायंस के फ़ोन भी आते थे, रिलायंस के जियो नहीं, रिलायंस पहले अनिल अंबानी की कंपनी होती थी रिलायंस, उसके फ़ोन आते थे, और देखिए आप हैं नोकिया, नोकिया इंडिया के नहीं है, है? नहीं इंडिया की नोकिया नहीं है भाई, इंडिया की कहाँ से आ गई, सैमसंग बाहर की, नोकिया बाहर की, हैं आईफोन आपको पता ही है। तो देखिए आप मोस्टली आप सभी के पास इतने मोबाइल फ़ोन है, सारे के सारे कहाँ से, मोस्टली चाइनीज यूज़ करते हैं, क्या हाँ हाँ, वो तो एक्साइज ड्यूटी कस्टम ड्यूटीज के थ्रू वो आपके इंक्रीज की जाती है कॉस्ट, ठीक है, वो उसकी रिक्वायरमेंट ये पड़ती है क्योंकि आपको डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी प्रोटेक्ट करना है। बट आप देखेंगे तो आपको मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी कोई अच्छी कंपनी नहीं है, मतलब लाइक मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप की बात कर लो आप, लैपटॉप बताइए कौन है इंडियन कंपनी का, नहीं देख रहा, डेल बाहर से, एचपी बाहर से, लेनोवो आपकी चाइनीज कंपनी, मोस्टली आप चाइनीज पे डिपेंड करते हो, है ना। अभी अब जैसे अभी दिवाली आ रही है, दिवाली पर जितने भी प्रोडक्ट्स आएंगे वो आती है लाइटिंग होती है सारी चाइनीज है। पिछली बार अगर आपको याद हो पुलवामा अटैक हुआ था उसमें क्या नहीं, वो जो नहीं होता वो क्या बोलते हैं गलवान घाटी का जो हुआ था केस हुआ था, उसमें आपस में वो लड़ाई कर रहे थे, उसके बाद चाइना का विरोध भी हुआ था, याद करो आपको अगर कुछ याद आए हो। तो पिछली बार 50,000 करोड़ का नुकसान कर दिया है इंडियन पीपल ने, क्यों, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदा आप लोगों ने। अगर आप इस बार भी हर बार ये करो ना तो एक दिन में आप इतना नुकसान कर सकते हो चाइना का, समझे ना बात को। बट क्या है कि हमें हमारा पता है हमारा ट्रेड डेफिसिट रहता है,
और इसका रीज़न क्या है कि हमारे एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, हमारा यूएसए के साथ पॉजिटिव है, हम यूएसए को ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट कम करते हैं, चाइना से हम इम्पोर्ट बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में करते हैं, ठीक है। और जैसे रशिया हुआ, रशिया से अभी देखो हम क्रूड ऑयल मंगा रहे हैं, पेट्रोलियम अभी आपको पता है 75% कॉस्ट पर हमें अवेलेबल करा रहे हैं, रशिया हो गया, तो मतलब सभी के साथ ट्रेडिंग की जाती है। तो ये मैं तो बस ये बता रहा था कि कैसे कैसे आपका है। तो मैंने कहा कि डेवलप्ड कंट्रीज डोमिनेट करती है, तो यूएसए हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, तो ये सारी कंट्रीज क्या है, डोमिनेट होती है, इनके पास ज़्यादा एक्सपोर्ट्स ही होते हैं, ठीक है, इन्हीं के वो होता है। एमएनसीज देखिए, जो एमएनसीज होते हैं मल्टीनेशनल कंपनी, उनकी ज़्यादा मार्केट पे कंट्रोल होता है एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक मार्केट, या जो आपकी कुछ लेवल पे काम कर रही होती है, ठीक है। जैसे चाइना और यूएसए के पास शेयर आपको पता है, बहुत ही हाई लेवल का कंपटीशन होता है। देखिए अगर मैं ये कहूँ ना कि जैसे चाइना है, चाइना के लिए स्पेशल ड्यूटी लगाती है इंडियन गवर्नमेंट। चाइना क्या है, चाइना हर एक प्रोडक्ट को बहुत सस्ता बना लेती है। आपका जो मोबाइल है आपका यहाँ ले रहे हो 10,000 के करीब का जो आ रहा है, वो क्या पता 2,000 में बना ले, लेकिन ड्यूटी लगा लगा के उसको एज की मार्केट आपका दिखे कि हाँ भाई मार्केट बना रहे, तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा मतलब ड्यूटीज लगाती है। इसलिए आपस में कंट्रीज में जो इंटरनेशनल कंपनीज होती है बहुत ज़्यादा कीन लेवल का कंपटीशन होता है, हाई लेवल का कंपटीशन होता है, ठीक है। स्पेशल रोल होता है टेक्नोलॉजी के पास। देखिए जापान के पास टेक्नोलॉजी है, आगे है कंट्री, यूएसए के पास टेक्नोलॉजी है तो आगे है, चाइना के पास टेक्नोलॉजी है, सारी स्किल्ड लेबर है, इवन टेक्नोलॉजी में आगे है, तो देखो कितनी आगे चली गई है ना। साउथ कोरिया देखिए आप, जिसके पास भी टेक्नोलॉजी है वही आगे है, सिंगापुर देखिए, है ना, बिल्कुल। तो ये सारी क्या है, और एक बात याद, ये जितने भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं, उसमें आप WTO, UNO हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इनके थ्रू ये काम करते हैं। तो ये कुछ फीचर्स थी जो आप पढ़ रहे हो अभी तक। आप क्या पढ़ा आपने, लार्ज स्केल ऑपरेशंस, ठीक है, सर्विसेज का और गुड्स का। सेकंड आपने इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी, दो कंट्री, दो और दो से ज़्यादा की कंट्रीज की इकोनॉमी एक साथ आती है। डोमिनेशन रहता है किसका, डेवलप्ड कंट्रीज का, कंपटीशन हाई लेवल का होता है, स्पेशल रोल रहता है टेक्नोलॉजी का, रेस्ट्रिक्शंस WTO IMF के थ्रू लगता है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके इंटरनेशनल बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। देखिए जो कोविड की सिचुएशन आई, ऐसी कोई ही कंट्री बची होगी जिस पर इफेक्ट नहीं पड़ा होगा, या कोई ऐसी ही इंडस्ट्री पड़ी होगी जिस पर इफेक्ट नहीं पड़ा, आइदर पॉजिटिव और आपका नेगेटिव। फार्मास्यूटिकल कंपनी जो अपनी है, तो उनको भाई एक अपॉर्चुनिटी मिली कि आप वैक्सीन डेवलप कीजिए। IT सेक्टर कितना ग्रो किया, सारा सब कुछ ऑनलाइन मोड में आ गया आपका, है ना। अब देखिए जो जूम वाली जो मीटिंग होती है, किसी को पता भी नहीं था गूगल मीट कितना, गूगल था कितना डेवलप्ड हो गया, आपके सामने हुआ है, गूगल मीट आ गया, अटेंडेंस आ गया, ये आ गया, वो आ गया, सब क्या हुआ कि कोई ना कोई एक जो चीज़ आई वो दोनों चीज़ लेके आती है, थ्रेट्स भी अपॉर्चुनिटीज भी, जो जिस तरीके से देखता है वो चीज़ लेके आ जाती है। यूक्रेन का अभी वॉर आ रहा है कि वहाँ पे अभी एटम अटैक हो सकता है, आपको पता होगा, तो अगर न्यूज़ सुनी है आपने, दो गुटबाजी हो रही है, नाटो ग्रुप और उस तरीके से। अब उस चीज़ का अब ये हर कोई दूसरी कंट्री क्यों ऑब्जर्व करती है, हर कंट्री पर इफेक्ट पड़ेगा, ट्रेड पर पड़ेगा। तो ये क्या होता है, इंटरनेशनल फैक्टर जितने भी होते हैं हर एक कंट्री के ट्रेड पर इफेक्ट डालता है। US में जैसे US का ना एक बैंक है फेडरल रिजर्व, वहाँ पर मतलब जैसे अपने भारतीय रिजर्व बैंक है ना, वहाँ पर फेडरल रिजर्व नाम से है, वो कोई भी चेंज करता है ना अपनी इंटरेस्ट रेट, जैसे भी 0.5 अपनी इन्फ्लेशन वो बढ़ा दिया था उन्होंने रेट, तो इंडिया पर पूरा इम्पैक्ट पड़ा है, हर एक कंट्री पर इम्पैक्ट पड़ता है। अगर कोई भी इंटरनेशनल कोई भी मतलब बड़ी कंपनी या बड़ी कंट्री का कोई भी चेंज करते हैं, तो इंटरनेशनल फैक्टर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो आई समझ में, तो कुछ फीचर्स थी जो आपको अभी समझ में आई होगी। देखिए भाई अब आपकी आई कैसे आपकी एक प्रोसेस होती है इंटरनेशनलाइजेशन की, मतलब कोई कंपनी कैसे एक इंटरनेशनल कंपनी बनती है, किस प्रोसेस से बनती है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले आप करते हो इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट, इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट में क्या है, आपने अपना प्रोडक्ट बना लिया लेकिन अभी दूसरे मार्केट में आप एंटर नहीं कर सकते इजिली, तो आप किसी ना थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करते हो जो आपके लिए एजेंट के रूप में काम करता है, ठीक है, एजेंट के रूप में काम करता है, वो आपके लिए वहाँ पे कस्टमर ढूंढेगा, कस्टमर निकालेगा। फॉर एग्जांपल इंडियन कोई कंपनी है, वो अभी डोमेस्टिक से वो अभी क्या बननी चाहती है, इंटरनेशनल कंपनी बनना चाहती है, तो वो क्या कर रही है,
वो क्या कर रही है, अब एक कोई एजेंट ढूंढ रहा है जो उनके प्रोडक्ट की डिमांड सर्च कर रहा है, वो क्या कर रही है, उसको उसके थ्रू अपने प्रोडक्ट को वहाँ भेजती है, उसको वो कमीशन पे कर रही है या उसकी जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट वो पे कर रही है। तो ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। अब इस केसेस में क्या होता है, कंपनी खुद का नाम ना यूज करके, मतलब कभी कभी यूज भी करेगी और कभी कभी उसके नाम के थ्रू ही वो मतलब बेच दिए जाएंगे आपके प्रोडक्ट एजेंट के थ्रू। अब दूसरी के बाद क्या हुआ, कंपनी थोड़े थोड़े बाद मार्केट बन गया, मार्केट बाद आप कंपनी खुद एक्सपोर्ट करने लग जाती है डायरेक्ट एक्सपोर्ट। अभी खुद का एम्प्लॉय, देखो खुद का एम्प्लॉय अदर कंट्री में अपॉइंटमेंट हो जाती है, वो क्या करता है सेल करता है और वो आपके पास ओन नेम से और ब्रांड से अपने वो करता है सेल करने लग जाता है, ठीक है। अब इस लेवल पर कंपनी क्या बन जाती है, इंटरनेशनल कंपनी। इस पर क्यों नहीं बनी, क्योंकि उसका नाम ही नहीं था, सारा इनडायरेक्टली जा रहा है। अब डायरेक्ट एक्सपोर्ट में क्या हुआ, कंपनी के नाम के प्रोडक्ट बिक रहे हैं अगले। तो सबसे पहले क्या हुआ, इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट के बाद आपने क्या किया, डायरेक्ट एक्सपोर्ट किया। अब डायरेक्ट एक्सपोर्ट करने के बाद ये तो एक कंट्री में किया, अभी आपने क्या किया एक और कंट्री में या एक से ज़्यादा कंट्री में आपने कर दिया। अब इसमें क्या होता है, एक कहीं जगह आपका हेडक्वार्टर होता है, फॉर एग्जाम्पल इंडियन में रिलायंस का हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब इंडिया की कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में भेज रही है, मान लो रिलायंस है, आदित्य बिरला ग्रुप, आइडिया है आपका, ये सब क्या है आपका अपने प्रोडक्ट्स को दूसरी डिफरेंट कंट्रीज में भेजती है, लेकिन अपना बताते हैं कि हेडक्वार्टर्स यहाँ है, टैक्स यहाँ पर जो भी इनका बनता है अकाउंट्स यहाँ के अकॉर्डिंग बनाएगी। तो ये क्या हुई आपकी मल्टीनेशनल बन गई। तीसरे में क्या हुआ, तीसरे में आपके पास आया ग्लोबल कंपनी। अब देखिए ये क्या क्या मीनिंग होता है ग्लोबल कंपनीज का। ग्लोबल कंपनी में क्या होता है, कंपनी हर एक लोकल रिक्वायरमेंट पे तो फोकस कर रही है, ध्यान से सुनना, ठीक है। कंपनी अपना हेडक्वार्टर बताती है स्पेसिफिक कंट्री में, मान का रिलायंस का, देखो उसमें क्या था कंपनी वो मल्टीनेशनल में था ना, उसमें क्या था इंडिया के प्रोडक्ट बाहर जा रहे हैं सारे, लेकिन ये नहीं है कि मतलब उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप बना रहे हो। वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर हो रहा है कि यहाँ के अकॉर्डिंग जो बनाया प्रोडक्ट आप भेजने लग रहे हो बस। यहाँ क्या हुआ, वहाँ के लोकल रिक्वायरमेंट पे फोकस हो गया है। ऑस्ट्रेलिया गए तो ऑस्ट्रेलिया के लिए, जैसे कि डोमिनोज का पिज्जा है। अब देखो अपनी साइड ना, अभी जैसे इधर अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं तो आपको ना कम स्पाइसी पसंद है आपको, तो उसी तरीके का आपको टेस्ट अवेलेबल कराया जा रहा है। और उधर जैसे आप जाओगे साउथ साइड तो वहाँ पर ज़्यादा स्पाइसी आपको चाहिए, तो स्पाइसी चाहिए तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर उन तरीके की प्रोडक्ट अवेलेबल कराया जाएगा। चाइना में अलग तरीके की डिमांड है तो वहाँ के लोगों की अलग तरीके से मतलब सप्लाई होगी, डोमिनोज की बात कर रहा हूँ मैं। यूएसए में अलग तरीके का तो अलग तरीके का होगा, बात समझ में आई। तो लोकल रिक्वायरमेंट पे आपकी फोकस होती है, ठीक है। और इनका ना यूनिक कैंपेन ऑफ एडवर्टाइजमेंट होता है रीजनल बेसिस पर। देखिए आपने एडवर्टाइजमेंट आती है तमिल में भी आती है, कोई कोई एडवर्टाइजमेंट अगर आपको ध्यान हो सेम एडवर्टाइजमेंट तमिल में भी आती है, सेम एडवर्टाइजमेंट हिंदी में भी आती है, और सेम एडवर्टाइजमेंट गुजराती में भी आती है। सेम मतलब वही उसको लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, बिकॉज वहाँ पर आपके जो प्रमोशंस का है एज पर द रीजनल रिक्वायरमेंट आप चेंज करते हो, ठीक है। तो ये क्या आपका यूनिक कैंपेन होता है हर एक के लिए, ठीक है। और कंपनी अपने टेस्ट और प्रेफरेंसेस को डिफरेंशिएट करती है, समझ में आई बात। आप यहाँ हो तो यहाँ के अकॉर्डिंग, यूएसए जा रहे तो यूएसए के अकॉर्डिंग। इन इसमें समझ में आया आपको, पहले आपका हुआ इंटरनेशनल कंपनी जब आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट करने लग गए हो, उसके बाद आपने क्या कहा मल्टीनेशनल कंपनी, और देन आपने क्या कहा डिफरेंस समझ में आया कि आपका हेडक्वार्टर आप डिफाइन कर देते हो लोकल रिक्वायरमेंट पे फिक्स कर दे। अब देखो एक और सबसे बड़ा आपका आया ट्रांसनेशनल जो आपकी कंपनी है। अब इसमें देखो सेम चीज़ें हैं, बस एक चीज़ नहीं होगी, यहाँ पर क्या है लोकल रिक्वायरमेंट ग्लोबल में था, यहाँ देखो क्या लिखा है कंपनी डज नॉट आइडेंटिफाई एनी पार्टिकुलर कंट्री एज इट्स होम नेशन। समझ में आया क्या कहा, उस ग्लोबल में कहा कि उसका एक कोई ना कोई होम नेशन होता है, यहाँ पर किसी भी कंट्री को वो अपना होम नेशन डिफाइन नहीं करता, ठीक है। एज कंपेयर टू ग्लोबल कंपनी दीज कंपनीज आर मोर रिस्पॉन्सिबल, मतलब रिस्पॉन्सिबल मीन्स की रिक्वायरमेंट्स ऑन द लोकल रिक्वायरमेंट जो उनकी है, उनकी जो क्या बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी जो बनती है उसके लिए वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। और उसके बाद आया अब ये भी डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट पैटर्न अडॉप्ट करती है डिफरेंट नेशंस, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है आपको समझ में आया, ये एक अलग लेवल की है, मतलब एक और आपका हाई लेवल का जहाँ पर हर जगह काम कर रही है, हर जगह इनका बड़ा ऑफिस होगा, मतलब एक अच्छा हेड ऑफिस होगा, लेकिन ये किसी भी कंट्री को ये नहीं कहती कि हमारा हेड ऑफिस, ऐसे लिखती है। जैसे कैडिला हेल्थ केयर है वो क्या करती है, अब उसका नाम जायडुस हो गया है, वो क्या करती है
मुंबई में, इंडिया में आई तो मुंबई अपना हेड ऑफिस बोल देती है, यूएसए में गई तो उधर कहीं बोल दिया, उधर गई तो वहाँ गई, किसी पर्टिकुलर कंट्री में अपना हेड ऑफिस नहीं बताया, अपने हर एक कंट्री का बता दिया यहाँ पर है यहाँ पर है यहाँ पर, समझ में आए बात। तो ये क्या हुआ आपका हाईएस्ट लेवल हुआ जिसमें ट्रांसनेशनल आ गया। सबसे पहले कैसे प्रोसेस में इस बार भी अरेंज करने आया था, KU का भी एंट्रेंस एग्जाम उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था कि अरेंज करना था इसके लेवल के अकॉर्डिंग, आपको उसमें था कि आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, सबसे पहले लिखोगे इंटरनेशनल, क्योंकि दो ही कंट्री के जैसे दो कंट्री आई शामिल तो वैसे आपका क्या हो गया इंटरनेशनल, फिर मल्टीनेशनल, फिर क्या बना ग्लोबल, और फिर क्या बना ट्रांसनेशनल, ये चार आपका आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो इसकी अप्रोचेज क्या है, EPRG अप्रोचेज बोलते हैं, अप्रोचेज सबसे पहले आया एथनोसेंट्रिक, ऐसे बोल सकते हो एथनोसेंट्रिक अप्रोच या एथनोसेंट्रिक कंपनीज कौन सी होती है, एथनोसेंट्रिक इसका मतलब देखो क्या होता है, ये फर्म्स ना अपनी जो होम एनवायरमेंट है, होम मार्केट की जो पॉलिसीज है उसी को हर एक कंट्री के लिए अप्लाई करती है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो इंडिया की कोई कंपनी है रिलायंस, ऐसे मान ले इंडिया की कंपनी रिलायंस, रिलायंस क्या करेगी जैसा इंडियन मार्केट का सिनेरियो है ना उसके लिए जो पॉलिसी अडॉप्ट की है सेम पॉलिसी पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी बिजनेस हो रहा है सबके लिए अडॉप्ट किया जाएगा। तो इसमें क्या हुआ वन पॉलिसी फॉर डिफरेंट नेशन, बात समझ में आई मैंने क्या कहा, एक ही पॉलिसी आपके पास सभी के लिए होती है, ये देखो डिफरेंट नेशन वन पॉलिसी सेम पॉलिसी फॉर ऑल कंट्रीज, ठीक है एक पॉलिसी आपने सभी के लिए बना दी तो वो क्या बोलोगे आप एथेनोसेंट्रिक, ठीक है। दूसरा है आपके पास पॉलिसेंट्रिक कंपनीज, अब पॉलिसेंट्रिक कंपनीज में क्या होती है, इंडिया में आए हो इंडिया में काम कर रहे हो तो इंडिया की पॉलिसी अडॉप्ट कर दी, यूएसए गए तो यूएसए की कर दी, पॉली का मतलब होता है मतलब एक अधिकार या अलग डिफरेंट डिफरेंशिएशन, क्या हुआ इंडिया में तो इंडिया की, यूएसए गए तो यूएसए की, चाइना गए तो चाइना की, ऑस्ट्रेलिया गए तो ऑस्ट्रेलिया की, तो इसमें क्या हुआ डिफरेंट नेशन, देखो ये क्या हुआ दे फॉलो द होस्ट मार्केट ओरिएंटेड, होस्ट का मतलब जहां पे आप जा रहे हो, जैसे इंडियन की कोई कंपनी रिलायंस जहां गई जिस मार्केट में वो गई वो होस्ट नेशन हो गया, इंडिया क्या हुआ होम नेशन, तो होस्ट नेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट करेगी, दे फॉलो द होस्ट नेशन मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसी, दिस कंपनी अडॉप्ट पॉलिसी अकॉर्डिंग टू होस्ट नेशन एनवायरमेंट, ठीक है उनके कल्चर और एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अडॉप्ट करोगे, तो इसको क्या बोलोगे डिफरेंट नेशन डिफरेंट पॉलिसी, किसमें हुआ आपका पॉलिसेंट्रिक एथनोसेंट्रिक वन पॉलिसी फॉर डिफरेंट नेशन, इसमें क्या था डिफरेंट नेशन डिफरेंट पॉलिसी। अब तीसरा आया जियोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक में क्या होता है ये बैलेंस बना के चलती है, ये वर्ड मिलेगा आपको कि बैलेंस बिटवीन द होम नेशन एंड द होस्ट नेशन, ठीक है कंपनी क्या करती है कॉम्बिनेशन यूज करती है, बेसिक पॉलिसी अपने होम नेशन के लिए ली एंड देन उसमें रिक्वायरमेंट ऑफ द अदर नेशन या होस्ट नेशन उसको ऐड करके पॉलिसी बना दी, मींस अपने प्रिंसिपल्स भी अडॉप्ट कर लिए और आपने उसके कल्चर और एनवायरमेंट को एडिशन कर लिया और बैलेंस बना दिया, तो उसको क्या बोलते हैं जियोसेंट्रिक अप्रोच। तो इसमें क्या बोलोगे आप डिफरेंट नेशन पॉलिसी ऑफ बोथ, दोनों के में बैलेंस बना के चलेंगे। तीसरी अप्रोच, पहले क्या पढ़ा आपने एथनोसेंट्रिक में क्या था वन पॉलिसी फॉर ऑल नेशंस, जियोसेंट्रिक में क्या हुआ नहीं, जियोसेंट्रिक का मतलब था बैलेंस बना के चलना, ठीक है और दूसरा जो आपके पास आया था पॉलिसेंट्रिक मींस डिफरेंट नेशन डिफरेंट पॉलिसी, और फोर्थ आया EPRG में आर रिजियोसेंट्रिक कंपनीज, रिजियोसेंट्रिक कंपनीज कौन सी होती है जो आपकी रीजन के अकॉर्डिंग, अब इंडिया में तो आ गए, इंडिया में मैंने कहा डोमिनोज का पिज्जा, इंडिया में अगर साउथ इंडिया में हो तो अलग तरीके का, इधर हो तो आपका क्या होगा अलग तरीका, नॉर्थ इंडिया में है तो मींस आप रीजनल बेसिस पे काम कर रहे हो तो ये क्या कहलाएगा आपका क्या कहलाएगा रिजियोसेंट्रिक, क्या बोलोगे रिजियोसेंट्रिक कंपनी। चार अप्रोच EPRG ऐसे बोलते हैं, ई फॉर एथनोसेंट्रिक, पी फॉर पॉलिसेंट्रिक, आर फॉर रिजियोसेंट्रिक, जी फॉर जियोसेंट्रिक,
चार अप्रोचेज हैं, सभी का मीनिंग क्लियर है आपको? हाँ जी क्लियर है, ठीक है। अब ठीक है, अब ये जो आपकी है ना ईपीआरजी थ्योरी, ईपीआरजी थ्योरी किसने डेवलप की है आप बोलोगे? वाइंड एंड डगलस। कब की है? 1969 में। ईपीआरजी थ्योरी इन डेवलप इन 1969 बाई वाइंड एंड डगलस, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे लिख लिया होगा आपने, आगे देखिए भाई। उसके बाद देखो अभी कौन कौन से मोड्स होते हैं आपके इंटरनेशनल बिजनेस के, मतलब कैसे कैसे आप एंटर कर सकते हो इंटरनेशनल बिजनेस में। तो सबसे पहले देखिए आपके पास जो सबसे बेसिक मोड है वो आपका ट्रेड मोड होता है। जो भी कोई कंपनी एंटर करना चाहती है सबसे पहले वो क्या यूज करती है? मोड और मीडियम, किस मोड से वो एंटर करेगी। बेसिकली सबसे बेसिक जो मोड है ना वो आप एक्सपोर्ट करके एंटर कर सकते हो, यानी ट्रेड मोड से आप एंटर करते हो। लेकिन ऑप्शन आपके पास इन्वेस्टमेंट का भी, आप अपनी कंपनी लगा दीजिए, FDI लगा लीजिए, तो भी आपके पास एक मोड है ये, ठीक है। या फिर आप कोई मतलब स्ट्रेटजिक अलायंसेज कर लीजिए, वो भी आपके पास, मैनेजमेंट सर्विसेज है, वो भी आपका एक मोड है, ठीक है। तो देखो कौन से मोड है आपके पास, सबसे पहले एक ट्रेड मोड हो गया, एक आपका इन्वेस्टमेंट मोड हो गया, एंड देन आपका कॉन्ट्रेक्चुअल मोड, ठीक है। तीन मोड होते हैं आपके पास, ट्रेड मोड के थ्रू जा सकते हो आप, इन्वेस्टमेंट मोड के थ्रू जा सकते हो, और कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जा सकते हो। देखते हैं क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आ जाओ ट्रेड मोड में। देखिए ट्रेड मोड में क्या होता है, कंपनी अपना भी जो भी सरप्लस प्रोडक्ट होता है, सर्विसेज होती है, अदर कंट्रीज में प्रोवाइड करती है। ट्रेड मोड का याद रखना सबसे बड़ा मोटिव होता है टू अटेन प्रॉफिट्स, टू जनरेट प्रॉफिट्स फ्रॉम द अदर मार्केट, ठीक है। ट्रेड मोड का ये क्वेश्चन भी आप समझते चलना, मैं अब क्वेश्चन बता चुका हूँ कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड मोड आप क्या कहेंगे, टू जनरेट प्रॉफिट्स। एंड व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट मोड, इन्वेस्टमेंट मोड का मेन ऑब्जेक्टिव टू कंट्रोल, क्या होता है? टू कंट्रोल। देखो इन्वेस्टमेंट मोड में आप अपना क्या चाहते हो, अपना बिजनेस को एक्सपेंड करके प्रॉफिट कमाना चाहते हो। यहाँ पर क्या चाहते हो, अपनी सब्सिडरीज आप एस्टेब्लिश करते हो, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, कंट्रोल करना कहीं पर जाकर। देखिए यहाँ कितनी कंपनियां लगी हुई है जो अपना प्लांट लगाती है यहाँ पर, वो क्या करती है, यहाँ से कंट्रोल करती है आपके मार्केट को, तो वो क्या बोलेंगे आप, ट्रेड मोड नहीं इन्वेस्टमेंट मोड, ठीक है। तो आपको पता लगा कि किसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है। अब देखो इन्वेस्टमेंट मोड में क्या है, या वहाँ की बाहर का कोई इन्वेस्टर या कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका क्या करता है, अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्यों कहा गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मींस क्या हुआ, कंपनी में वहाँ मतलब खुद की सब्सिडरी एस्टेब्लिश करना, यहाँ पर एक नया प्लांट लगाना, नई फर्म लगाना यहाँ पर, तो क्या होगी आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब प्लांट में इन्वेस्टमेंट करना। एक आप जब शेयर्स और डिबेंचर्स में पैसा लगा रहे हो वो भी तो इन्वेस्टमेंट है आपके शेयर्स और डिबेंचर्स में, लेकिन उसका भी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना होता है। FDI का मेन ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, कंट्रोल करना, और जबकि जब FII बोलते हैं उसको, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है थ्रू इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज लाइक इक्विटी प्रेफरेंस डिबेंचर्स, और जो आपके रिसिप्ट होते हैं उनमें पैसा लगाकर आप क्या कमा रहे हो, वहाँ आप इनकम अर्न कर रहे हो, किसके थ्रू होगा, स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू। आई समझ में, FDI का मतलब क्या हुआ, FDI में आप अपनी सब्सिडरी लगा रहे हो दूसरे नेशन में, अपना प्लांट लगा दिया इस तरीके से, जैसे रिलायंस है, रिलायंस ने कहीं और अपना प्लांट लगा दिया दूसरी कंट्री में, तो वो क्या हुआ, FDI, ठीक है। और FII में शेयर्स और डिबेंचर्स में पैसा लगाना, ठीक है। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव, देखो ध्यान से सुनना, यही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, मैं जैसे जैसे बोलूँ वही आपके एग्जाम में आए, आज के दो तीन क्वेश्चन आगे हैं जो आने की पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टू टेक कंट्रोल ओवर फर्म्स, आप फर्म्स पर क्या चाहते हो, कंट्रोल चाहते हो, ठीक है। और दूसरा है टू टेक हाई रिस्क फॉर मैक्सिमाइज द रिटर्न। देखो एक बात आपसे पूछा जाए, रिस्क किस में ज़्यादा है, मैं पूछूँ ट्रेड मोड में या इन्वेस्टमेंट में? ट्रेड में तो क्या है भाई, आपका जो प्रोडक्ट उसको बेच दो, 10 रुपये कॉस्ट 12 में बेच दिया, कोई रिस्क हुआ, नहीं बिकेगा तो वापस आ जाएगा, या थोड़ा बहुत रिस्क है। एक आपने एक नया प्लांट लगाना है, उसके बाद उस प्लांट का प्रोडक्शन कैसा होगा, एम्प्लॉय कैसे काम करेंगे, प्रोडक्ट बिकेगा नहीं बिकेगा, तो ये सारे एस्पेक्ट्स को आप ले रहे हो, तो बताओ ये ज़्यादा रिस्की है या वो वाली चीज़ें,
इन्वेस्टमेंट मोड है ना, कि प्लांट के पता नहीं कैपेसिटी किस तरीके को अलाउड हो नहीं हो, तो इस तरीके से आपके लिए मेन ऑब्जेक्टिव आपका ट्रेड मोड का तो क्या होता है, एक्सपेंशन प्लस में प्रॉफिट अर्न करना। इसका क्या होता है, कंट्रोल करना और रिस्क लेकर अपने मतलब दूसरी फॉर्म में अपनी सब्सिडीज एस्टेब्लिश करना, यह होता है आपके पास। और हाई रिस्क फॉर मैक्सिमाइज द रिटर्न, ठीक है। एक मैंने बताया आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, मतलब शेयर्स और आप डिबेंचर्स में पैसे लगा रहे हो, जैसे कि परचेजिंग सिक्योरिटी, जिसमें आप बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में, शेयर्स में, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप पैसे लगा रहे हो, तो वो क्या होता है आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। और इसका भी मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है, टू जनरेट इनकम और प्रॉफिट्स, ठीक है, विद मिनिमम मिनिमाइजिंग रिस्क, अपने रिस्क को कम करके। आया समझ में? एफडीआई का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कंट्रोल करना, दूसरी मार्केट में एंटर करके अपने रिस्क, मतलब रिस्क तो होगा ही उसमें, मेन ऑब्जेक्टिव कंट्रोल करके बड़ा एक मार्केट एक्सपेंशन होता है। ट्रेड मोड का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, और इसका भी आपका इनकम जनरेशन ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। ट्रेड मोड में देखिए क्या क्या आता है, पहला मोड हम आज डिस्कस करेंगे ट्रेड मोड। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं क्या, इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट पढ़े हैं ना हमने, थ्रू एजेंट आप भेज रहे हो। दूसरा आपने पढ़ा क्या, डायरेक्ट एक्सपोर्ट अपने नाम से आप भेज रहे हो। इसके अलावा देखिए क्या क्या सिस्टम चलता है। सबसे पहले आया आपका काउंटर ट्रेड। काउंटर ट्रेड में क्या होता है भाई, बायलेटरल, दो कंट्री के बीच में, बायलेटरल का मतलब दो, एक ट्रेड एग्रीमेंट है दो नेशंस के बीच में, किस बात का, कि एक कंट्री एक्सपोर्ट करेगी तो उसको दूसरी को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा सम गुड्स, ठीक है। देखो क्या है, एक कंपनी एक्सपोर्ट सम गुड्स, कंडीशंस क्या है, कंट्री विल आल्सो इंपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ सम वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट कंट्री। यानी जैसे मान लो ये अभी इंडिया और रशिया के बीच में हुआ बार्टर ट्रेड, वो मैं अभी बताऊंगा। ऐसे ये जैसे एक बार ना ट्रंप आया था इंडिया में, ट्रंप आया था अगर आपको याद हो, जब कोविड की सिचुएशन थी ना, उससे पहले ट्रंप आया था इंडिया में थोड़े से दिन पहले, जब गुजरात में आया था अगर आपको याद हो, एक वो स्टेडियम का भी इनोग्रेशन कराया गया था जो सबसे बड़ा था कुछ ऐसा, अगर ट्रंप आया ना तो सबका ध्यान ट्रंप पे था, मतलब सब चीज़ों का, मतलब इंडियन गवर्नमेंट पे, क्योंकि भाई वो यूएस से प्रेसिडेंट था। कोविड की सिचुएशन जब हाईलाइट सी हुई थी, मतलब थोड़ी थोड़ी चाइना में आ रही थी, तो ज़्यादा फोकस इंडिया ने किया नहीं उस पे था, और जैसे ही वो ट्रंप गया इंडिया में एकदम से कोविड के केसेस भी बड़े हाई हो गए थे, क्योंकि सारा ध्यान उधर चला गया था। तो जब ट्रंप यहाँ आया ना, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा ट्रेड सरप्लस है, मतलब इंडिया का ट्रेड सरप्लस है वो उधर, कि इंडिया एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है इंपोर्ट कम करता है, उसने डिमांड की कि आप हमसे इंपोर्ट भी कीजिए, नहीं तो हम आपके एक्सपोर्ट को बैन कर देंगे या कुछ एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे। आई समझ में? तो इसको क्या बोलते हैं कि एक एग्रीमेंट करती है दो कंट्रीज आपस में, कि अगर हम आपको एक्सपोर्ट कर, हम आपसे अगर इंपोर्ट कर रहे तो हम आपको एक्सपोर्ट भी करेंगे, कि उस कंट्री की कंडीशन है कि वो भी इंपोर्ट करेगी। तो मैंने क्या कहा, इधर इंडिया इधर एक्सपोर्ट कर रही है तो यूएसए से इंडिया को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, काउंटर ट्रेड। तो फर्स्ट आपका समझ में आ गया आपके पास, ठीक है। अब इसी कुछ फॉर्मेट है, क्या क्या है देखते चले जाओ। सबसे पहले आया बार्टर ट्रेड। अब बार्टर ट्रेड में क्या होता था, बहुत पहले चलता था ये बार्टर ट्रेड, घरों में होता था। वैसे आपके बार्टर ट्रेड नहीं कहते उसको, एक्सचेंज बोल सकते हो, पहले आप उसमें समझो। पहले देखो, अगर आप लोग थोड़े से 10-20 साल पहले आप देखोगे तो ऐसे कहते था, हमारी ये चीज़ बनी है, आप ये उनसे दे आओ और उनसे ये ले आओ, होता था अगर याद हो कुछ। मीन्स हमारी इस चीज़ की सब्जी बनी है तो उनको दे आए, उधर से आप ले आए, ऐसा होता था पहले। अभी भी बस अभी कुछ दिन से, जब से ये मोबाइल फ़ोन आया ना, तो कुछ ज़्यादा ही हाइजीनिक और इस तरीके के हो गए हैं लोग। मीन्स अब नहीं करते उस तरीके की चीज़ें, कम हो गई, होती भी होगी कहीं किसी किसी गाँव में, लेकिन ऐसा होता था। ऐसे ही पहले बार्टर ट्रेड में क्या होता, भाई हमारे पास ना ये चीज़ ज़्यादा है, हमारे हम इस चीज़ में कैपेसिटी है। फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया में क्या होता है, ऑयल होता है, ठीक है। इंडिया में क्या है, भाई चाय ज़्यादा होती है, ऐसे मान लो टी ज़्यादा होती है, वीट ज़्यादा होते हैं, उधर होता ही नहीं है, पता है आपको उधर वीट होता ही नहीं है, नहीं। फिर क्या करते हैं, यहाँ से आप क्या भेज दिया, वीट भेज दिया, चाय भेज दिया, पुटी भेज दी, वहाँ से आपने क्या मंगा लिया, पेट्रोलियम।
अब बार्टर ट्रेड में क्या होता था, कोई वैल्यू नहीं देखी जाती थी, बस जिसको जितनी ज़रूरत है या उस हिसाब से वो एक्सचेंज कर लेते थे अंदाजे से। तो ये क्या हुआ, बार्टर ट्रेड। अब थोड़े से आगे आए आप, बार्टर ट्रेड समझ में आ गया आपको, अभी भी चलता है, अभी भी इंडिया और रशिया के बीच में, अभी बताऊंगा मैं आपको इसके बारे में। ये क्या आपके पास बार्टर ट्रेड समझ में आया, कि आप कोई चीज़ देखो, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स आर अलाउड बिटवीन टू नेशन विद इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड, टाइम पीरियड होगा कोई ना कोई, ठीक है। इंडिया ने क्या किया, रशिया के साथ किया, इसका मैं रशिया का किसलिए मैंने ये जब अपडेट किया तब की बात है, ये जब ये हुआ ना अभी क्या बोलते हैं यूक्रेन का वार हुआ, तो बहुत सारी कंट्रीज ने क्या किया, उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए रशिया पे, और रशिया इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है आपस में जो होता है, तो उन्होंने क्या कि हम 75% पे आपको दे रहे हैं क्रूड ऑयल, उन्होंने कर लिया ट्रेड। तो उन्होंने क्या किया कि वो हमारे यहाँ से ना कुछ ये जो फर्टिलाइजर और ये सप्लाई करते रहेंगे, हम उनको ये चीज़ें मतलब वीट और ये एक्सपोर्ट करते रहेंगे, तो उन्होंने एक बार्टर ट्रेड कर लिया कि वहाँ पर भी सप्लाई ना रुके, क्योंकि और कंट्रीज वहाँ से नहीं ले रही, मतलब वहाँ सप्लाई नहीं कर, तो इंडिया के साथ उन्होंने बार्टर ट्रेड कर लिया कि वहाँ फर्टिलाइजर अपने इंडिया में आएगा, हम यहाँ से वीट देते रहेंगे, ठीक है, चल गया दोनों का काम। इंडिया को बेनिफिट भी हुआ बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको कम कॉस्ट पर आपको चीज़ें मिल रही है। ऐसे ही उन्होंने कहा, जब इस केस को देखते रिसेंटली बात है, कुछ 10-20 दिन पहले की बात है, कि ईरान भी कहने लग गया कि भाई आप वहाँ ट्रेड कर सकते हो तो हमारे साथ भी ट्रेड कर लो, क्योंकि आपको पता है कि जैसे अपने यहाँ पेट्रोल 100 रुपये आता है, ईरान में एक लीटर पेट्रोल की कीमत वहाँ पर 1 रुपये पड़ती है, 4 रुपये मतलब मैक्सिमम 4 रुपये। अब आप ये एक आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, तो हम यहाँ से क्यों नहीं मंगाते ना माइंड, क्योंकि ईरान हमारे पास में ही है जी, इंडिया है ना, तो इंडिया के इधर ही आपका पाकिस्तान, इधर ये साथ में ईरान इराक आ गए, हम यहाँ से हमें जल्दी मतलब मंगा सकते हैं, लेकिन हम और हमारे से देखिए सऊदी अरेबिया दूर है थोड़ा, हमें से यूएस से वो काफ़ी दूर है, हम वहाँ से मंगवाते हैं। इसका रीज़न पूछिए आप, रीज़न ये है WTO है ना, WTO के प्रिंसिपल में है, हम जो ट्रेडिंग करेंगे ना वो नॉन मेंबर के साथ नहीं कर सकते, रूल्स के अकॉर्डिंग वोलेट करके आप क्या करोगे, मेंबर्स कंट्री के बीच में, और जो ये ईरान है ना ये मेंबर नहीं है इसका WTO का, आई बात समझ में, इस वजह से आप क्या नहीं कर सकते वहाँ से, आप मंगा नहीं सकते। लेकिन अब वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अब देखो आगे क्या कहें, वो उधर बाइडेन को भी अप्रोच कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से अलाउड कर दे, क्योंकि मैंने कहा डोमिनेशन किसका है, USA का। जब भी कोई देखो यूक्रेन में वॉर हो रहा है, लोगों की निगाहें USA पे होती है, क्यों है भाई, क्योंकि USA उसको होल्ड करता है सब चीज़ों को, वर्ल्ड इकोनॉमी पावर है उसमें। हाँ, यूक्रेन क्या चाहता था, यूक्रेन नाटो का मेंबर बनना चाहता था, नॉन एंटार्क्टिक TT आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करता है उसमें एक रूल है नाटो में, अगर कोई कंट्री नाटो का मेंबर बन गया तो उसका मतलब है अगर किसी भी नाटो कंट्री पे अगर अटैक हुआ ना, तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि उस पूरे नाटो ग्रुप पे अटैक हो गया, ठीक है। USA उसका मेंबर है नाटो का, और यूक्रेन जो है उसके साथ में अटैच करता है, फिनलैंड उससे थोड़ी सी दूर है, तो ये कुछ और कंट्रीज भी है। यूक्रेन कहने लगा, यूक्रेन मेंबर बनने की कोशिश की, पुतिन ने साफ शब्दों में कहा कि भाई आप उसका मेंबर नहीं बन सकते, इतनी सी बात थी, क्योंकि उसके खुद के सिक्योरिटी इश्यूज है। अच्छा अपने यहाँ पर क्या बॉर्डर किस तरीके से है, अपने बॉर्डर से कहीं पर भाई पर्वत है, कभी कुछ है इस तरीके से, नदियाँ है, जैसे श्रीलंका के साथ में कुछ अलग तरीके का है, उनकी तो ये नहीं, उनका फ्लैट बॉर्डर है, जैसे आप इधर झज्जर से रोहतक में चले गए इस तरीके के फ्लैट बॉर्डर है, तो वहाँ पर अटैक करना बहुत आसान है दूसरी कंट्रीज के लिए, समझ में आई मेरी बात। अब वो कहने लगे कि उसके खुद के सिक्योरिटी इश्यूज है, किसके, रशिया के, पुतिन के, ठीक है, इधर आपके ये इधर जो ये यूक्रेन है ये क्या मेंबर बनेंगे, तो उन्होंने भी वो बनने की कोशिश की, उन्होंने अटैक कर दिया, वो नहीं माने तो बात को, जबकि आपको पता होना चाहिए कि रशिया में से यूक्रेन निकला है ना, रशिया में से ही यूक्रेन निकला है, जैसे कि पाकिस्तान इंडिया से निकला है, बस पहले ये होते थे USSR, पता होगा आपने 1994 से पहले आपको USSR होता था, जो टूट के कई कंट्रीज में बटा है, ठीक है, तो पहले दो ही ग्रुप होते थे, USSR
और आपका यूएसए, इनके बीच में ऐसे ही चलता रहता था। अब वो टूट के अलग अलग हो गया, तो मैंने क्या कहा कि अभी से फिनलैंड और इन कंट्री को भी उन्होंने चेतावनी दी हुई, अगर ऐसी कोशिश की ना आपने तो हम यहाँ पे भी अटैक करेंगे। और अभी तो इतना हाई लेवल का हो गया कि वो शायद अटैम अटैक के लिए तैयारी, अटैम अटैक की तैयारी हो गई मैडम। क्यों कह रहे हो आप? देखो आज आज की न्यूज, अगर आप कहो मैं यहाँ चला के दिखा दूंगा क्या आ रखा है। बिल्कुल रेडी है किसके लिए? परमाणु अटैक के लिए, एटम अटैक के लिए। अगर ऐसा होता है जो वो ज़्यादा चिंतित है, कौन? यूएसए। अगर ऐसा अटैक होता है ना तो यूएसए को भी कोई ना कोई कदम लेना पड़ेगा, समझे बात को? तो ये भैया उनके सबके अपने इश्यूज है, ठीक है। तो मैं भी नहीं बता रहा था कि उनका युद्ध हो रहा है, वो सब पे फर्क पड़ रहा है। और देखिए आपको एक चीज बताता हूँ, आपको सारी कंट्री बाहर आ गई, सारी कंपनीज बाहर आ गई वहाँ से, वीजा का जो ये आपको देखते हो एटीएम कार्ड वाली कंपनीज है, बहुत सारी कंपनी अपने हेड ऑफिस शिफ्ट कर लिए वहाँ से। लेकिन पुतिन सबसे ताकतवर नेता कह रहा था, अगर आपने सुना हो तो, पुतिन ने क्या किया, ऐसी ऐसी स्कीम्स निकाली, ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाई, आज रशिया फिर से बूस्ट कर गया, जो कि उनकी जैसे करेंसी रूबल, वो उनका रूबल जाना नीचे था लेकिन उन्होंने हाई पे पहुँचा दिया। उसकी पावरफुल इतनी स्ट्रेटजी होती है बेहद की, समझे मेरी बात को? तो उनके बीच में जो आपको रीजन पता लग गया कि भाई क्यों अटैक होता है, बस ये आपने पूछा तो मैं बता दिया, ठीक है। तो हम यहाँ किस तरीके से पढ़ रहे थे, हाँ रशिया की ट्रेड के बारे में पढ़ रहे थे। तो बार्टर ट्रेड क्या होता है कि भाई आप यहाँ पर वैल्यू नहीं देखते क्या है, यहाँ पर देखिए काउंटर परचेज, यहाँ देखिए आपने क्या लिखा कि अगर हमने यहाँ पर टी एक्सपोर्ट की है, हमने क्या मंगा लिया, हमने यहाँ पर पेट्रोल मंगा लिया, पेट्रोलियम की कोई चीज़ मंगा ली, बार्टर में वैल्यू नहीं बताई कितनी है। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, काउंटर परचेज, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। देखिए एक कंपनी एग्रीज टू परचेज स्पेसिफिक गुड्स फ्रॉम द कंट्री इन विच द कंपनी एक्सपोर्ट देयर प्रोडक्ट, देयर इज आल्सो नो एक्सचेंज ऑफ मनी, यहाँ पर भी कोई एक्सचेंज नहीं है मनी का, लेकिन क्या होगा, इन दिस एन एक्सपोर्टर कंपनी इम्पोर्ट ओनली स्पेसिफिक गुड्स फ्रॉम एनी इम्पोर्टर कंट्री, लेकिन क्या होता है इसमें वैल्यूज होती है। देखो ये अकाउंटिंग बुक्स में आपकी वैल्यूज होती होगी, मीन्स पैसे आपस में लेन देन नहीं करेंगे, हम ये कहेंगे कि हमने ना 500 रुपए की टी मंगाई थी, ठीक है, और 400 रुपए का पेट्रोल आया था आपके पास, हमने इधर बेचा है, अब 100 रुपए हम आपके मांगते हैं, हम 100 रुपए की कोई और चीज मंगा लेंगे। आई मेरी बात समझ में? यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, काउंटर परचेज का याद रखना क्या होता है, यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक गुड्स होगा, ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक गुड्स होगा वही मंगा सकते हो आप। और इससे अगला जब आप पढ़ते हो, ये देखिए इसमें क्या आया आपके पास, क्या आया वर्ड आपका, एनी गुड्स, आपने क्या पढ़ा था वहां पे, स्पेसिफिक गुड्स, और ऑफसेट में कहा कि कोई भी गुड मंगा लो आप, इंपोर्ट कर सकते हो आप, ठीक है। समझ में आई थी ना डिफरेंस आपको? देखिए बार्टर ट्रेड में तो कोई वैल्यू ही नहीं है, सीधा निकाल दिया, इसमें जो वैल्यू है लेकिन स्पेसिफिक गुड्स क्या होगा, अगेंस्ट होगा, यहाँ पर ऑफसेट में कोई भी गुड्स मंगा सकते हो। एक आया आपके पास कंपनसेशन और बायबैक एग्रीमेंट, अब इसका क्या है, जैसे अभी जापान है वो इंडिया में क्या कर रहा है, इंडिया में बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट लगा रहा है, ऐसी दूसरी कंपनी इंडिया में बहुत सारे वेंचर्स लगाती है, वेंचर कैपिटल होता है जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको बोलते हैं। तो मतलब कोई इन्वेस्टमेंट करती है तो जो इन्वेस्टमेंट की उसके बदले में वो कुछ भी चीज़ इम्पोर्ट करा लेगी, मतलब हमने क्या कर दिया, उनको कंपनसेट कर दिया। बात समझ में आई आपको कंपनसेशन की? हाँ जी मैडम समझ में आई, मतलब जैसे हमने क्या किया, हमने जापान की कंपनी ने इंडिया में बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट अडॉप्ट कर रखा है, भाई वो कर रखा है, अलाउ कर रखा है, हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, टेक्नोलॉजी भी देंगे। तो मान लो उनका ना 5,00,000 करोड़ रुपए बने, कितना बना, 5,00,000। अब यहाँ से 5,00,000 करोड़ रुपए के बदले वो कोई ना कोई चीज़ें इम्पोर्ट करेंगे वहाँ पर, हम उनको कंपनसेट कर रहे हैं, आगे समझ में? तो ये वाला हुआ आपके पास क्या, कंपनसेट। उसके बाद आया स्विस ट्रेडिंग, अब स्विस ट्रेडिंग में क्या होता है, अब देखो हमने ना इसमें तीन कंट्री आ गई, इसमें क्या हुआ, एक तो इंडिया आ गया, एक मान लो आपने कहा रशिया, जैसे हम रशिया की बात कर रहे थे, एक मान लो आपका आ गया मान लो यूएसए लगा लो, वैसे ठीक तो नहीं है एग्जांपल ये, क्योंकि यूएसए, चलो श्रीलंका ले लो, ठीक है। इंडिया ने क्या किया, एक्सपोर्ट किया रशिया को, लेकिन रशिया के प्रोडक्ट को इंडिया को ज़रूरत नहीं है, इंडिया कहता है कि जो हम रशिया क्या करता है, इंडिया को क्रेडिट दे देता है, क्रेडिट मींस कि भाई कुछ इतने रुपए का क्रेडिट है आपके पास, जैसे वाउचर टाइप लगा लीजिए आप,
अब ये क्या करता है इंडिया, इसको अपने क्रेडिट इसको ट्रांसफर कर देता है श्रीलंका को, और इन क्रेडिट के बदले ये यहाँ से अपना इंपोर्ट कर लेता है, और इन क्रेडिट के बदले ये इसको पैसे कर देता है। समझ में आई आपको ये बात? तीन कंट्री शामिल हुई, एक एक्सपोर्टर कंट्री, एक इंपोर्टर कंट्री, एक अनदर कंट्री। तो एक्सपोर्टर कंट्री जो एक्सपोर्ट कर देती है उसको बदले वो इंपोर्टर कंट्री क्रेडिट देती है, क्रेडिट वो अनदर कंपनी को ट्रांसफर कर देती है, वो उसे अपना गुड्स मंगा सकती है। ठीक है, आया समझ में? हाँ जी आया समझ में? देखो इंडिया एक्सपोर्ट टू यूएसए, यूएसए प्रोवाइड्स क्रेडिट टू इंडिया, इंडिया ट्रांसफर क्रेडिट टू श्रीलंका। यूएसए का एग्जांपल था इसमें। इंडिया ने किसको एक्सपोर्ट किया, यूएसए ने क्रेडिट किसको दिए, इंडिया ने क्रेडिट दे दिए, और श्रीलंका ने क्या किया, यूएसए से इम्पोर्ट कर लिया, और श्रीलंका इसी से पैसे मिल गया। ठीक है, और लास्ट आया आपका क्लियरिंग एग्रीमेंट। क्लियरिंग एग्रीमेंट में क्या होता है, जैसे आरबीआई है आपका, फेडरल रिजर्व बैंक है यूएसए का, तो ये मतलब दो नेशन के जो आपके सेंट्रल बैंक है ना, वो आपस में बुक्स मिला लेंगे भाई, लास्ट में हमारा कितना बैलेंस ऑफ पेमेंट बचा, ये तो होता ही होता है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट बता देंगे कि हम इस कंट्री के इतने मांगते हैं, इतना बचता है। ठीक है, तो ये वो आपका क्लियरिंग एग्रीमेंट। इन देखो क्या था, बोथ कंट्रीज इंपोर्टर एक्सपोर्टर अकाउंट सेटल, किसके द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा। ठीक है, सेंट्रल बैंक एज क्लियरिंग हाउसेज के रूप में काम करता है। आया समझ में?